नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताजा तरीन खबरें। सुशांत सिंह राजपूत च्या मृत्यूचा उहापोह अजूनही सुरूच आहे। त्याच्या आत्महत्येच्या तपासाला एक वेगळे वळण मिळाले ते कंगना राणावत या अभिनेत्रीच्या प्रतिक्रियेनंतर। बॉलिवूड या मायानगरीत लॉबिंग हा प्रकार तसा जुनाच असून प्रत्येकाचे आपापले ठराविक ग्रुप आहेत। ते आपापसात स्पर्धा करीत असले तरी नवीन कोणी एंट्री केली तर हे स्पर्धा करणारे सर्व ग्रुप एकत्र येत नवीन असलेल्या व्यक्तीचे करिअर उद्ध्वस्त करून टाकतात असा आरोप नेहमीच होतो। त्यात महत्त्वाचे म्हणजे यातील सर्व ग्रुप पिढ्यान पिढ्या हेच उद्योग करीत असल्याचा आरोपही केला जातो असे मत कंगनाने व्यक्त केले आहे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झिंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते आप हमारी अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? जीव घेण्या स्पर्धेत एक ते विजय नाहीतर आत्महत्या हे गणित असू शकत नाही। नैराश्य कितीही आले तरी मृत्यू हे त्यावरील उत्तर नाही। हे सत्य असले तरी नैराश्याने घेरलेल्या व्यक्तीला कोणीतरी जवळचा मित्र व्यक्ती असणे गरजेचे आहे। असे असले तरी बिंदास्त जगा, टेन्शन घेऊ नका अशी भावना ज्येष्ठ कलाकार जॅकी श्रॉफ यांनी व्यक्त केली आहे। हे सांगत असताना मात्र सुशांत सिंग गेल्याने त्यांना झालेले दुःखही लपलेलं नाही। भाई चले गए, ये सब चले गए ना, एक एक वो आए, हम लोग आए, हम भी चले जाएंगे। अब वो लेकर घूमना नहीं, तीन चले गए, तीन आए, कृष्णा आई, टाइगर आया, मेरी औरत आई, मेरी माँ चली गई, मेरा डैडी चले गए, मेरा भाई चला गया, तो बैलेंस होता है लाइफ। अब मैं चला जाऊंगा कुछ दिन में, और चले जाए कोई आएगा, ऐसे चलता रहेगा बेटो, ये चाल तो है ही है। उसमें डिप्रेशन किस बात का भाई? आजू बाजू अगर गम देखे तो अपना गम बहुत कम है भाई, समझा ना, याद रखना। ये नहीं रोते रहने, अरे मेरे को ये नहीं मिला, अरे मेरी उम्र होती जा रही है, वो मुझे काम नहीं मिला, अरे हटा यार, तू जो चल रहा है फिर रहा है, तेरे हड्डी में दम है, बहुत हो गया भाई। अच्छे अच्छे निकल गए, कौन याद रखता है भड़ू? जो जिसके लिए पैदा हुआ वो होगा। ये लाल कलर के फूल हैं तो लाल कलर के रहेंगे, वो पीला है तो पीले रहेंगे। बेचारे को कट के किसी ने भेज दिया काट के, तो बेचारा कट के आया हुआ है, वहां लगा हुआ है झाड़ों में। सबका अपना अपना है, सब खुश है अपनी जगह। गम तो सबको है भाई, इंसान ने तो गम होगा ही, मरना तो सबको है। माता पिता के साथ प्यार कर रहा है, बच्चे से प्यार कर रहा है, जाना है छोड़कर वो भी पता है, दिल तो टूटता ही है, मगर रोते रहने का काम अपना नहीं है बाबा। सुशांत सिंह याचा सर्वात गाजलेला चित्रपट म्हणजे धोनीच्या क्रिकेट करिअरवर आधारित महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। यात त्याने धोनीची तर त्याच्या वडिलांची भूमिका अनुपम खेर यांनी साकारली। त्यांनाही स्वतःच्या भावना लपवता आल्या नाहीत। कुछ जज्बातों को, कुछ दुखों को, कुछ हादसों को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का मुझे जो दुख है उनका, तो मैं इस खबर ने मेरी आत्मा को ठंडा कर दिया, आत्मा को निचोड़ दिया है। दिल तक तो बात पहुंचती है, लेकिन आत्मा तक जो है वो दहल गई है। ये वीडियो बनाते वक्त भी सोच रहा हूँ क्या बोलूँ मैं, पर बोलने से कभी कभी, शेयर करने से कभी कभी नहीं, इस खबर पर तो शेयर करने से भी दुख कम नहीं हुआ। मैंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत के फादर का रोल किया था, और क्योंकि कहानी बाप बेटे की थी और इसलिए रिश्ता भी ऑफ द स्क्रीन बाप बेटे जैसा ही हो गया था।
कुछ लोग चले जाते हैं तो उसका सदमा बाद में लगता है, लेकिन वो चले क्यों गए इसका सदमा पहले लगता है। आई थिंक लोगों का एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है, लोगों का एक दूसरे का दुख पहचानना बहुत ज़रूरी है, लोगों के एक दूसरे की तकलीफ़ को जांचना या तकलीफ़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। आज की दुनिया में हम बहुत ज़रूरी है कि हम सामने से पूछें कि क्या तकलीफ़ है तुझे, क्या अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हो तुम मेरे दोस्त। क्योंकि जो जिस तकलीफ से जूझ रहा होता है उसका बयां वो खुद नहीं कर सकता, वो हमें पहचानना है। हम किसी भी इंडस्ट्री में हों, बार बार बोला जाता है फिल्म इंडस्ट्री में ये टेंशन है, फिल्म इंडस्ट्री में वो टेंशन है, इसका प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं होता। अकेलेपन का मैंने एहसास किया है अपनी ज़िंदगी में, और जब वो अकेलापन होता है तो सक्सेस कोई मायने नहीं रखती है। जब वो जो दुख की गहराई में इंसान की आत्मा, इंसान का दिल डूबा होता है, तो सक्सेस पॉपुलैरिटी कुछ मायने नहीं रखती है। मायने रखता है किसी का आपको गले लगाना, मायने रखता है किसी का आपसे बात करना, किसी को आपकी बात सुनना, वो मायने रखता है। उसके घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ सुशांत के, उनका क्या हाल होगा। मैं तो फिल्मी बाप था उसका, तो मैं इतने तकलीफ और दुख से गुजर रहा हूँ, तो उनके जो खुद के पिताजी हैं, उनके घर के बाकी जो मेम्बर्स हैं, उनका क्या हाल होगा। 34 साल का लड़का, बहुत तकलीफ है। मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ और इस लॉकडाउन में मैं बहुत पॉजिटिव रहा हूँ, मैंने अपने आप को बहुत संभाला है, लेकिन इस खबर ने तो मुझे छकचोर के रख दिया है। सुशांत, जीवनात नैराश्याचा सामना कसा करावा हे तू छिछोरे सिनेमात सांगितलंस आणि तूच विसरलास। जो भी किया बहुत गलत किया, कुछ ना कुछ तो सोचना मांगता था उन्होंने। उसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते अभी, उनका उनको मालूम है उनका पर्सनल चीज क्या है। अगर उनका पर्सनल चीज में हमको मालूम नहीं, इसलिए हम उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने वो क्यों किया और किसके लिए किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम बाप की और बहन की तो फिक्र करना चाहिए। डिप्रेशन में भी डिप्रेशन गलत है करना, एक बार सामने वाले को बताना भी चाहिए, सामने वाले को बताएगा तो समझेगा क्या हुआ है क्या नहीं। वो चला गया, इतना सब कुछ था, पैसा था, सब कुछ था, तो अपनी लाइफ अच्छी निकाल सकता था ना। उससे कम दर्जे का हम लोग को रखो, हमारे पास ना घर है ना पैसा है ना कुछ, फिर भी जी रहे ना, दो रोटी कमा। सुशांतचा मृत्यू गळफास लागल्यानेच झाल्याचे समोर आले असले तरी त्याच्या मृत्यूबाबत पोलीस सखोल चौकशी करत आहेत। नवी मुंबई आवाज ब्युरो रिपोर्ट।